हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और आप सब ऑनलाइन मस्त क्लासेस पर आज एक लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें एक बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट लाइक करें, और जो भी पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपको ये विश्वास नहीं है तो प्रश्न देखिए, एक बहुत ही शानदार है। एक्स माइनस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस सौ इक्वल टू टू को हल कीजिए। आप इसको 100 लोगों में भेजिए, आप इसको 100 स्टूडेंटों में 100 फ्रेंड्सों में भेजिए। आपको उम्मीद है ना, इसमें से 80 स्टूडेंट्स नहीं बनाएंगे, पक्का है ना, आपको 80 स्टूडेंट्स नहीं बना पाएंगे मेरे दोस्तों। तो फटाफट इस काम को भी कर लीजिए, 100 लोगों में ये भेजिए, आपके 20 स्टूडेंट ही बना पाएंगे, 80 लोग इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे और इस टाइप के कोई भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो दोस्तों आइए हम आपको इसके सोल्यूशन करने का एक शानदार और जानदार तरीका बताता हूँ, जिससे आप सभी स्टूडेंटों से आगे की ओर निकलेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड, इसमें x मान निकालना है, कैसे बनाएंगे बहुत ही इजी वे में। देखो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कोई भी अगर बराबर के इस साइड आता है तो उसका चिन्ह चेंज होता है, चाहे उस साइड जाता है तो भी क्या होता है, इधर आवे या उधर जावे, चिन्ह को चेंज करना है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ना, इधर आवे या इधर आवे, चिन्ह को क्या करना होता है, चेंजिंग करना होता है। तो ये 2 है, इधर आएगा तो -2 होगा, x -2 फिर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा रूट में 3x-6। क्लियर, इतना एकदम समझ में आया होगा। अब ये रूट है, इधर आएगा तो आपको स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, इधर हो गया 3x-6। अब आप इसको तोड़िए सूत्र पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये है a और ये है b और 3x-6। ओके, अब देखिए x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 दुनी की 4x बराबर 3x-6। आगे देखिए क्या करेंगे, सबको एक तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x, इधर आएगा तो -3x और प्लस 4, और इधर आया ये तो +6 इक्वल टू 0। अब इधर देखिए मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर 4x और 3x ये दोनों माइनस में, मिलके 7x हो गया, और 4 और 6 दोनों मिलके 10 हो गया इक्वल टू 0। अब आपको तो फैक्टर आता ही होगा, फैक्टर आसानी से बना सकते हैं, 10x स्क्वायर लाना है तो आप x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2x और प्लस 10 इक्वल टू 0, 5 और 2 मिलके 7 होगा, और गुना करोगे तो 10 होगा। अब इन दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन लिया तो x माइनस 5 और माइनस 2 कॉमन है तो x, फिर माइनस और माइनस प्लस फिर 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 1 हो जाएगा मिला के, और x माइनस 5 डबल है तो 1 लिख लेंगे इसके बदले में। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x का यहाँ से मान आपका 2 आया, और यहाँ से x का जो मान आया ना 5 आया, ये जो है आपका आंसर है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे, और अगर आप ऑनलाइन मस्त क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।